लेकर के आया हूँ जेनेटिक्स के एयर सिलेंडर। आप देख सकते हैं मेरे पास 5 एयर सिलेंडर है जेनेटिक्स के, 4 80 बोर के हैं, 100 बोर का है। तो हमको ये रिपेयर करना है। एक सिलेंडर मैंने पहले खोल दिया है, अब इसमें जो भी सील किट है, पूरी सील किट निकालने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास ये 5 सिलेंडर के सील सेट है, ओरिजिनल सील किट है जेनेटिक्स की। ये मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगा। ये मैंने 80 देखिए 80 बोर का सिलेंडर खोला है, तो 80 बोर की मैं सील किट खोलता हूँ और पूरा सेट एक एक मैच कराता हूँ, पूरी सील किट में और सिलेंडर के अंदर जो भी सील निकलती है। आप वीडियो के साथ जुड़े रहें और देखते रहें किस तरह से सिलेंडर में सील चेंज की जाती है जेनेटिक्स के। ये जेनेटिक्स जो सिलेंडर है ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, आजकल डिमांड इसी सिलेंडर की ज़्यादातर है। और आप लोकल सिलेंडर चलाते हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते। ये आप देखिए इसमें पूरी सील किट है। अब मैं ये जो सिलेंडर की खोल दिया है इसकी सील किट मैं बाहर निकाल दूंगा पूरी आपके सामने ही। वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें, वीडियो को स्किप ना करें, तभी आप सिलेंडर की सील चेंज करना अच्छे से सीख पाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की अगर आपको वीडियो देखनी है। और आप कहाँ से हैं ये भी मुझे कमेंट में बताएं। और ये जो आप देख रहे हैं सिलेंडर, इनकी सील किट जल्दी से कहीं मिलती भी नहीं है। अगर आप दिल्ली NCR या कहीं आसपास क्षेत्र में हैं तो हो सकता है आप दिल्ली से ले आए। अगर आप भारत में या दिल्ली NCR से दूर हैं, जैसे छत्तीसगढ़, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वहाँ पे इन सीलों के डीलर और सप्लायर बहुत कम हैं, तो वो सब ऑनलाइन सर्च करते हैं इंडिया मार्ट या फिर कोई डीलर सर्च करते हैं सील किट नियर मी, तो आप उनसे सील किट मंगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी सील किट निकाल दी है पूरी टोटल, एक ऊपर की सील और रह गई है, इसमें ऊपर की साइड और सील होती है, ये भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। अब फिर सील कैसे लगाते हैं ये भी आप देखिए, धीरे धीरे वीडियो के साथ लगे रहें। ये मैंने सील इसकी निकाल दी है, देखो इसकी सारी पुरानी सील आ गई बाहर। अब मैं इसमें नया सेट लगाऊंगा, पहले मैं इसको करूंगा कपड़े से साफ। अब हमने ये सिलेंडर साफ कर लिया कपड़े से अच्छे से बढ़िया से। और जो बहुत से लोग कहते हैं इसमें जो सील ये कटी हुई रहती है, ये कटने के बाद लीक करती है क्या, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सील कटिंग के लिए इसलिए होती है, जो सील घिसने के बाद पाइप में डेंट ना लगे, सपोर्ट के लिए बनी रहे। तो ये सील सिलेंडर के साथ ही लगी आती है, सेट में नहीं आती है। आप देख सकते हैं सेट में कहीं भी ये वाली सील नहीं है, सिलेंडर के साथ ही आती है। अगर हाँ ये अगर ख़राब भी हो जाती है तो ये अलग से पैकेट के अलग से लेनी पड़ती है बाहर से। तो अब मैं सबसे पहले पिस्टन सील चढ़ाऊँगा। पिस्टन सील चढ़ाने के बाद इसकी जो वाइपर वगैरह है सब कुछ लगा के दिखाऊंगा किस तरह से हम आसानी से सील चढ़ाने के बाद सिलेंडर रिपेयर कर देते हैं। अब ये इसका हेड की सील लगाऊंगा, मैं ओरिंग रख दिया है। इसके बाद ये कैप लगा देता हूं ऊपर से। ये फेस्टो सिलेंडर में भी इस तरह का होता है। ये देखो ये जो सील है ये बहुत से लोग उल्टा करके लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये दाँते ऊपर की साइड रखने हैं, ये आसानी से घुस गया ना, कितनी आसानी से चला गया बिना गिरी से लगाए। अब ये ओरिंग लगा दी, इसकी मैं कैप रखूँगा। कैप लगाने के बाद फिर से वही दांते वाली सील लगाऊंगा। सील लगाने के बाद अब इसका पीछे का जो रह गया है ये वाला, और ये जो दो सील हैं इसमें एक में नीचे की साइड ग्रुप कटा हुआ है, ऊपर से प्लेन है, तो जो ग्रुप कटा हुआ है इसको ऐसे कर लीजिए, नीचे पलट के अंदर डाल देना है। अब जो वाइट वाली है, वाइट वाली में देखो जो ऊपर धार बनी हुई है और नीचे एक बड़ा सा ग्रुप है, इसको भी नीचे रखना है, धार वाला ऊपर रखना है। अब ये हार्ड सील होती है टेफ्लोन की, तो ये जाती नहीं है हाथ से। इसको थोड़ा सा हम करेंगे 10 mm की अलंकी है जिससे मैंने सिलेंडर खोला है, इसकी सहायता से इसको थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करूँगा, सावधानी से जो कटे ना, तो ये अंदर चली जाएगी। ये देखिए ये अंदर चली गई। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा लेता हूँ, जब पिस्टन ग्रिप लगाएंगे तो इसमें थोड़ी सी लुब्रिकेंट रहेगा तो मूवमेंट अच्छी होगी। अब मैं इसका हेड जो है सबसे पहले रखूँगा यहाँ पे, ग्रीस लगाने के बाद ये कर देता हूँ मैं सेट। इसका मॉडल नंबर देख लीजिए आप, ये मॉडल नंबर है A28 सीरीज़ का ये सिलेंडर, टाइरोड सिलेंडर होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक सिलेंडर इसके अलग होते हैं। पाइप सेट कर दिया है, अब इसकी पिस्टन में मैं ग्रीस लगाऊंगा। ग्रीस लगाने के बाद आप देखेंगे किस तरह से आसानी से सिलेंडर रिपेयर हो जाता है। ऊपर से दबा देंगे ये अंदर गया। अब इसकी रोड पर थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा लेते हैं, ज़्यादा ग्रीस का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो फिर ग्रीस के कारण पिस्टन चिपकने लगती है और स्पीड कम हो जाती है इसकी। ये भी लग गई। अब इसको सील सेट करने के बाद करेंगे फिटिंग। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके बड़े काम की होगी, आप सिलेंडर रिपेयर करना सीख गए हैं बहुत ही जल्दी 3 से 4 मिनट में। अगर मैंने आपको इतना अच्छा वीडियो बनाकर दिखाया सिलेंडर की सील चेंज करी है जेनेटिक्स की, आप इसी बात पर यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा नहीं चला, तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने ये न्यूमेटिक सिलेंडर को रिपेयर कर दिया है आपके सामने, और बहुत छोटी वीडियो में आपको सिलेंडर रिपेयर करना आ गया होगा, बाकी के ये सिलेंडर भी हम रिपेयर करेंगे इसी तरह। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा किस तरह से हमने सिलेंडर रिपेयर किया, और हाँ अगर आपको सील किट भी
चाहिए होती है तो हम आपको सील किट भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप पूरे भारत में कहीं भी मंगा सकते हैं, सील किट आपको हम कोरियर से भेजेंगे। जैसे कि होता है कि सिलेंडर नहीं भेज पाते हैं, सोचते हैं कि यार सिलेंडर भेजेंगे दो तीन दिन वैसा ख़राब होगा, फिर वहाँ से रिपेयर होकर आएगा, फिर दो तीन दिन ख़राब होगा, तो एक हफ्ता लग जाएगा। तो उसके लिए आप हमसे सील किट भी मंगा सकते हैं। और हाँ, अगर आपके सिलेंडर की पिस्टन रोड टूट जाती है तो वो भी रोड भी हम चेंज करते हैं, उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें जाकर के लिंक पे टच करके देख सकते हैं किस तरह से हम सिलेंडर की रोड चेंज करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।